सबसे पहले तो वो लोग सामने निकल के आओ जो ट्विटर हैंडल पे बोल रहे थे इंडिया हारेगा। हारा क्या इंडिया, जीत गई तुम्हारी इंग्लैंड। अबे ऐसी बकचोदियाँ करते क्यों हो जब तुम्हें क्रिकेट का ABCD पता नहीं होता। मैं हमेशा एक बात को बोलता हूँ कि जिनको ABCD ना पता हो, जिनको पिच रिपोर्ट ग्राउंड के बारे में ना पता हो और परफॉर्मेंस के बारे में ना पता हो, उनको क्रिकेट के बारे में बिल्कुल बात ही नहीं करनी चाहिए। लेकिन तुम्हारी आदत क्या है, ट्विटर हैंडल पे ऊट पटांग बोलोगे, फेसबुक में जाके ऊट पटांग लिखोगे, इंग्लैंड जीत जाएगा, इंग्लैंड जीत जाएगा। जीत गया इंग्लैंड? नहीं जीतने वाला और ना जीतेगा। और अब फाइनल खेलेगा इंडिया और साउथ अफ्रीका। तो बजा के रख दी इंडिया ने उन लोगों की जो ये कह रहे थे कि नहीं इंग्लैंड फाइनल खेलेगा साउथ अफ्रीका के साथ। तो इंग्लैंड साउथ अफ्रीका के साथ फाइनल नहीं खेलने वाला, साउथ अफ्रीका के साथ फाइनल इंडिया खेलेगा। और क्या मारा है रोहित शर्मा ने मालूम है, बजा के रखी, ये आगे बढ़ के छः, ये फ्लिक करके छः। और वे रोहित शर्मा ने जिस तरह खेला है ना, तुम्हारी साथ सोचते लग जाएंगे इस बात को सोचने के लिए आगे पास इतना अच्छा फॉर्म आया कहाँ से। तो रोहित शर्मा के पास फॉर्म आया उसकी फिटनेस से, उसने अपनी फिटनेस पे काम किया तब जाके आया है उसका ये फॉर्म। जब वो एक तरफ एक छोर से टिके हुए खेलता है ना, तो अच्छे अच्छे बॉलर्स को बजा के रख देता है। तो आपको शुभकामनाएं मेरी तरफ से कि इंडिया फाइनल पे पहुंच गया है सेमीफाइनल में इंग्लैंड को एक करारी शिकस्त देने के बाद। और इंग्लैंड के बल्लेबाज क्या कर रहे थे भाई, ये पिच ही ऐसी थी, कभी गेंद बिल्कुल डाउन रह रहा था, कभी बिल्कुल उछल के आ जा रहा था। तो ये होगा, पिच के बारे में पहले पता किया करो, उसके बाद आपको पता चलेगा कि ये रन कितने बन रहे हैं और कैसे बन रहे हैं। तो आपको एक बात और बताता चलूं कि अब जो फाइनल होगा साउथ अफ्रीका वर्सेस इंडिया का, इसकी प्रेडिक्शन जानने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा, जो कि आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाता है। वहाँ से आप मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक लेके ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि मैं सारी अपनी प्री प्रेडिक्शंस टेलीग्राम चैनल पे ही देता हूँ। और एक बात आपसे और कह दूँ, ये जो आप लगे हुए थे ना कि इंडिया कैसे खेलेगा फाइनल, इंडिया को तो अभी ऑस्ट्रेलिया से मिलना, पहले इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया की बजाई, उसके बाद इंडिया बांग्लादेश, चलो अफगानिस्तान जीता था, अफगानिस्तान नहीं पहुँच पाया, साउथ अफ्रीका एक बड़ी टीम है हार गया, लेकिन अफगानिस्तान की उस परफॉर्मेंस को भी मैं बोलूँगा, बिल्कुल बोलूँगा कि बहुत अच्छा खेले वो लड़के। और उन्होंने इस बात को साबित किया कि क्रिकेट में किसी की बादशाहत नहीं चलती, आप जितना अच्छा फॉर्म पे रहोगे और जितना अच्छा परफॉर्मेंस करोगे दबाव में, आपकी टीम उतना ही आगे जाएगी। पहले अफगानिस्तान ने न्यूजीलैंड को पेला, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया को पेला और फिर बांग्लादेश को पेला। हाँ, साउथ अफ्रीका को जरूर नहीं हरा पाई, इसीलिए सेमीफाइनल तक का जो उसने सफर किया उसके लिए मैं सल्यूट करता हूँ। तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा इस बारे में कि आप क्या सोचते हैं अफगानिस्तान की टीम को लेकर। हाँ, इंडिया ने दिए थे उसे ग्राउंड, अफगानिस्तान इंडिया के ग्राउंड्स पे, वहाँ पे उनकी इतनी फैसिलिटीज नहीं है, तो हाँ भाई है वो हमारा, हम सपोर्ट करते हैं, वो हमारा सपोर्ट करते हैं। अफगानिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया की जो टांगे तोड़ी है ना, उसको आगे का काम इंडिया ने कर दिया। तो ऑस्ट्रेलिया तो गया, अब इंग्लैंड भी गया, अब बारी है साउथ अफ्रीका की। तो देखिए, साउथ अफ्रीका और इंडिया का मैच एक बहुत बड़ा मैच होगा, मैं अभी से बता दे रहा हूँ। और जो बात मैं आपसे हमेशा पहले कहता आता था, मैंने कहा था ना कि शिवम दुबे की टीम में जगह नहीं बनती, क्यों उसे खिलाया जा रहा है, शिवम दुबे की जगह टीम में नहीं बनती, रिंकू सिंह का फॉर्म बहुत अच्छा है, तो रिंकू सिंह को टीम पे होना चाहिए। और मैंने एक बात और कही थी आपसे कि रिंकू सिंह के अलावा आप सबसे पहले जडेजा और अक्षर पटेल को शिवम दुबे से पहले भेजिए, और कल के मैच में आपने देखा ना वही हुआ, शिवम दुबे से ऊपर जडेजा को भेजा गया, अक्षर आया और दोनों ने रन बनाया, जबकि शिवम दुबे पहली ही गेम पे आउट हो गया। तो ये फर्क होता है बेटा। लेकिन क्रिकेट की जो नॉलेज, न्यूज़ और अपडेट मैं लेके बैठता हूँ ना, उससे बहुत कुछ पता लग जाता है। तो मैं आपको बताता चलूँ, अगर आपको भी इंडिया की जीत में बहुत ज़्यादा बेहद खुशी मिली हो, तो डेफिनेटली आप इस वीडियो को एक लाइक करिएगा और प्यारा सा कमेंट करिएगा जय हिंद का। तो बात कर लें आने वाले मैच की, तो आने वाले मैच में इंडिया का टॉप ऑर्डर वही रहेगा, रोहित शर्मा, विराट कोहली, ऋषभ पंत, सूर्यकुमार यादव, और आगे ये जो शिवम दुबे है ना, शिवम दुबे की जगह रिंकू सिंह को मैं पर्सनली चाहता हूँ कि टीम में शिवम दुबे की जगह जो बनती है वो जडेजा और अक्षर पटेल के बाद में बनती है। भाई तुम हिटर हो, आओगे मारोगे, हिटर का काम क्या होता है, लास्ट की कुछ बॉलों पे आए और बस रन बनाए, और शिवम दुबे वही कर सकता है।
तो पहली बात तो मेरे हिसाब से टीम में शिवम दुबे की जगह नहीं बनती है, जगह बनती है रिंकू सिंह की। उसका फॉर्म बहुत अच्छा है यार, उसको बाहर बैठा हुआ है, तब से वो वेट कर रहा है कि मैं वर्ल्ड कप में पहला मैच कब खेलूँ, और अब तो फाइनल आ गया। लेकिन आपकी क्या राय है शिवम दुबे और रिंकू सिंह को लेके, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। एक बात और आपको बता दूँ, कल का जो मैच होगा उसकी अपडेशन मैं आपको YouTube पे दे दूँगा, क्या होगी टीम, क्या होगी प्लेइंग 11, मेरी प्रेडिक्शन क्या है, सब कुछ आपको मिल जाएगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल का आइकन दबा लीजिएगा, ताकि आपको कोई भी मेरा वीडियो मिस ना हो, और मैं बैक टू बैक ऐसे ही वीडियो लगातार आपके लिए हर T20 मैच में और वनडे मैच या कोई भी लीग होगी, वो PSL हो, IPL हो, कैरेबियन प्रीमियर लीग हो या बिग बैश लीग हो, सब में लगातार मुझे फॉलो करना। आपको फैंटेसी पे जो आप करते हो ना प्रेडिक्शन कि ये प्लेयर इतने रन बनाएगा हाँ या ना, आपको मैं बहुत ज़्यादा कमा के दूंगा, आपको मिलेगा ढेर सारा प्रॉफिट। तो बिना किसी देरी के साथ चैनल को आज ही ज्वाइन कर लेना, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि टीम इंडिया की इस जीत पे आपकी क्या राय है, और लानत भेजना ऐसे लोगों पे जिन्होंने ट्विटर पे आके ये बोला था कि इंग्लैंड जीतेगी। मैं ये कभी नहीं कहता, खेल भावना जो होती है उसमें हमेशा एक बात ध्यान रखने की होती है, दिन कभी भी किसी का हो सकता है, कोई भी टीम जीत सकती है, लेकिन अगर आप इंग्लैंड का सपोर्ट कर रहे हो तो उसके लिए आपके पास बेस भी तो होना चाहिए। किस बेस में कर रहे हो इंग्लैंड का सपोर्ट, करो, मैं मना नहीं करता, कोई ना कोई टीम का सपोर्ट कोई ना कोई तो करता ही होगा भाई, मैं इकलौता तो हूँ नहीं जो इंडिया का सपोर्ट करता हूँ, मेरे जैसे तमाम लोग होंगे। लेकिन अगर हम लोग इंडिया का सपोर्ट करते हैं तो फिलहाल मेरे पास तो पुख्ता चीज़ें हैं ना कि इंडिया फाइनल उठाए, और मैंने बहुत पहले ही बोल दिया था कि फाइनल में मेरी तरफ से दो टीमें हैं, ऑस्ट्रेलिया क्योंकि खैर सेमीफाइनल नहीं खेल पाए, और दूसरी मैंने बोली थी इंडिया। तो आप देख लो इंडिया फाइनल पे है, तो मैं अगर दो टीमें दे रहा हूँ उसमें से एक टीम फाइनल पे पहुँच रही है, न्यूजीलैंड बाहर हो रही है, ऑस्ट्रेलिया बाहर हो रही है, बड़ी बड़ी टीमें बाहर हो रही हैं, पाकिस्तान तो खैर क्या ही बात करना, पाकिस्तान का तो मुझे समझ में ही नहीं आता कि पाकिस्तान के क्रिकेटर्स करते क्या हैं और कैसे छोटे छोटे मैचों पे हारते हैं। खैर मुझे बड़ा मज़ा आया इंडिया और पाकिस्तान के मैच में, मैंने बहुत इन्जॉय किया भाई, 119 रन का टारगेट डिफेंड करना इंडिया के लिए सल्यूट है भाई। मैं मानता हूँ इंडिया को उस मैच के लिए मैं बहुत मतलब तारीफ़ों के पुल बांध दूंगा, मेरे पास कमी नहीं है इंडिया की टीम की तारीफ़ करने के लिए। और आपको बता दूँ आज ही कि विराट कोहली जो फॉर्म पे नहीं है ना, अब्बू अगर फॉर्म पे नहीं है ना तो अब्बू ठोकेंगे, फाइनल पे ठोकेंगे, देख लीजिएगा, विराट कोहली फाइनल पे जरूर रन बनाएगा। जितने लोग ये सब बोल रहे हैं ना ट्विटर पे कि विराट कोहली का समय पूरा हो गया है, रोहित शर्मा हिटमैन बहुत अच्छा है, नो डाउट रोहित शर्मा हिटमैन बहुत अच्छा है, लेकिन अगर ये कहोगे आप कि विराट कोहली की फिटनेस नहीं है, विराट कोहली की फॉर्म नहीं है, फॉर्म आती जाती रहती है भाई, क्लास परमानेंट होना चाहिए, फॉर्म आती जाती रहती है, उसकी चिंता नहीं है। तो याद रखिएगा कल के मैच पे, फाइनल पे साउथ अफ्रीका वर्सेस इंडिया के मैच में विराट कोहली रन बनाएगा, और प्लेइंग 11 क्या आपको लेनी है ये मेरा अगला वीडियो जो आएगा उस पर आप देख लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लगातार फॉलो करते रहा करिए, कमेंट बॉक्स में अपना प्यार दिखाया करिए। और आपको एक बात और बता दूँ, टेलीग्राम चैनल का लिंक ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाता है। तो हमारी दुआएं हैं भाई इंडिया टीम को कि वो इस बार वर्ल्ड कप उठाए। ये मैं अपनी प्रेडिक्शन नहीं दे रहा हूं क्योंकि अभी टॉस भी नहीं हुआ है, मैं प्रेडिक्शन आपको दूंगा कल, और प्रेडिक्शन कभी कभी देश भावना से ज़्यादा बढ़ के हो जाती है क्योंकि ये खेल है, और खेल में साउथ अफ्रीका भी जीत सकता है और इंडिया भी जीत सकता है, बट सपोर्ट हम किस टीम को करेंगे और हमारी प्रेडिक्शन क्या कहती है, सेशन किंग प्रेडिक्शन को हमेशा फॉलो करके रखिए, मेरे चैनल पे बने रहा करिए, मैं आपको इसी तरह की वीडियोस लगातार देता रहूँगा। तो चलिए अगली वीडियो जरूर चेक कर लीजिएगा, मेरी प्रेडिक्शन आपको उसमें मिल जाएगी, प्लेइंग 11 और फैंटेसी 11 क्या होगी, फैंटेसी पे आपको किन प्लेयर्स को अपनी टीम में रखना है नहीं रखना है सब मैं आपको बता दूंगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।